जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार जैन ने फीता काटकर किया। विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला न्यायाधीश सुनील जैन ने कहा कि रक्तदान महादान है। हम यदि किसी को अन्न दान करते हैं तो उसका असर कुछ दिन रहता है, लेकिन रक्तदान करने से किसी की जिंदगी बचती है, इसका असर आजीवन रहता है। इसलिए हर स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। जब हम रक्तदान करने पहुंचते हैं तो पहले शारीरिक जांच होती है, जिससे हमें अपने शरीर की कमियां भी पता चल जाती है। यदि कोई गंभीर बीमारी हो रही है तो उसका भी पता चल जाता है। विशेष न्यायाधीश शमरोश खान ने कहा कि रक्तदान करने वाला बहुत पुण्य का भागी होता है, इसका महत्व सभी जानते हैं, इसलिए जीवन में रक्तदान अवश्य करना चाहिए। विधिक सेवा सचिव जिला न्यायाधीश नरेंद्र पटेल ने रक्तदान शिविर के बारे में जानकारी दी। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। सर, पिछले बार जैसे रक्तदान कैंप इस साल भी लगाया, कितने यूनिट ब्लड, कितने लोग दिया सर ब्लड डोनेशन? माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय के मार्गदर्शन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। रक्तदान शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला चिकित्सालय के रक्तदान केंद्र स्वास्थ्य केंद्र मंडलेश्वर के संयुक्त रूप से टीम द्वारा कार्य किया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय श्री सुनील कुमार जैन तथा अन्य न्यायाधीशगण की उपस्थिति में व अन्य गणमान्य नागरिकों सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में किया गया। रक्तदान में जिला न्यायालय के श्री महेंद्र सिंह तथा उपशासनिक अधिकारी लेखापाल व अन्य कर्मचारीगण द्वारा रक्तदान किया गया। उसी प्रकार अधिवक्ता संघ के सचिव श्री वर्मा जी, अन्य अधिवक्तागण द्वारा महेश्वर व्यवसायक संघ के अध्यक्ष इंदिरा सोनी जी व अन्य अधिवक्तागण द्वारा रक्तदान किया गया। थैंक यू नेचर संस्था NSS के कार्यकर्ता द्वारा भी सहयोग दिया गया। उसी प्रकार से सहायक जेलर कसरावत स्वास्थ्य केंद्र मंडलेश्वर से दो डॉक्टर मैडम तथा उनके साथी कर्मचारीगण द्वारा भी रक्तदान किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के PLV यहाँ के कर्मचारीगण द्वारा भी रक्तदान किया गया। इस प्रकार से सभी द्वारा सहयोग किया गया। मंडलेश्वर क्षेत्रों के गणमान्य नागरिक, व्यापारी संघ के सदस्यों द्वारा, स्कूल कॉलेज के टीचर्स व अन्य कार्यकर्तागण द्वारा भी रक्तदान किया गया। रक्तदान महादान है और इस कार्य में हमारे सभी जिन गणमान्य नागरिकों द्वारा रक्तदान किया गया है उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। रक्तदान से किसी के जीवन को बचाया जा सकता है और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारे सभी रक्तदाताओं ने रक्तदान किया है, तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। सभी रक्तदान करवाने वाली टीम और सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूँ। कितने यूनिट ब्लड डोनेट हुआ सर? हमारे इस रक्तदान शिविर में कुल 85 यूनिट का रक्तदान हुआ है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।